रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में काले धन के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वह काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं और अपने देश को आर्थिक अपराधियों की पनाहगार नहीं बनने दें। पीएम ने मेंबर देशों से कहा है कि उन्हें अत्यधिक बैंकिंग सीक्रेसी खत्म करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा है कि असरदार वित्तीय सिस्टम के लिए जरूरी है कि आर्थिक अपराधियों के लिए सेफ हेवन को खत्म किया जाए। पीएम मोदी ने विकास और सहयोग के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF से लगातार बातचीत पर भी जोर दिया है। G20 देशों की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा से भी मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। दोनों देश आपसी सामरिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी राजी हुए। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटेन की पीएम को भारत आने का न्योता भी दिया। इससे पहले G20 की अहम बैठक के दौरान रविवार को पीएम ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस दौरान NSD पर चीन के सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने जिनपिंग से मुलाकात करते हुए कहा कि भारत और चीन की भागीदारी केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बेहद अहम है। ब्लैक मनी पर गठित SIT ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो ब्लैक मनी से जुड़े डेटा जांच एजेंसियों से साझा करें। इसके लिए SIT ने RBI से मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए कहा है ताकि देशों से बाहर जाने वाले गैर कानूनी पैसों को जांच एजेंसियां ट्रैक कर सके। इसे लेकर SIT प्रमुख जस्टिस MB शाह ने RBI गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि RBI को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिसमें जांच एजेंसियों को गैर कानूनी फंड ट्रांसफर का तुरंत पता चल सके। ब्लैक मनी रोकने के तरीकों को सुझाने के लिए SIT का गठन किया गया है।